हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि आप सब जानते हैं, कल 18 तारीख है और शिवरात्रि है, तो उसकी तैयारियां पूरी देखने आए हैं। तो यहां से पूरी लाइटिंग वगैरह लगा दी है इन लोगों ने। चलो भाई आगे। कल शिवरात्रि है तो उसी के लिए पूरा ये सब तैयारियां चल रही है अभी। लाइट्स लगा दी नहीं वहां तो पूरा टॉप तक लगी हुई और टॉप पे चमक रहा है। वही तो सो ये कल की पूरी तैयारियां चल रही है। सब मेले वेले वाले लोग आ गए। बहुत ऊपर पे मंदिर है, घाटी के ऊपर चढ़ना पड़ता है यहाँ से आगे पूरा, जैसे कि आपको दिख रहा है वहां आगे। बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मतलब लगभग मेरे को भी 10 साल तो हो ही गए लगभग यहाँ आए हुए। इस मंदिर का नाम मदारेश्वर है और यहाँ पे 9 ग्रह का मंदिर भी है। ये 9 ग्रह का मंदिर है और आगे है मंदिर। अभी पूरी तैयारियाँ चल रही है, वही देखने आए हम लोग। कितना प्यारा सजा है ना। बस सही सजा है ना मंदिर, और ऐसे शिवलिंग है वहां पे। ये लाइव दिख रहा है अंदर का फुटेज। ये मदारेश्वर मंदिर है हमारे यहाँ का, बांसवाड़ा का। ये अभी रात का व्यू था 17 तारीख का। तो कल शिवरात्रि है, 18 तारीख है कल, और कल पूरा मंदिर भीड़ रहेगी बहुत। सुबह आएंगे अपन, देखेंगे। अभी तो आज सजावट वगैरह देखने आए थे हम लोग मंदिर की, तो बहुत सही थी। चलो आगे बता दो क्या होता है। सुबह के बज गए हैं 5:55 हो चुकी है। मैं सुबह 5 बजे उठा था, तो कल रात को आपको मैंने मदारेश्वर वाला मंदिर दिखाया था, वहाँ की सजावट दिखाई थी। और अभी जा रहा हूँ मैं दर्शन के लिए, सुबह सुबह जा रहा हूँ 5 बजे उठ के, क्योंकि क्या है बाद में बहुत भीड़ हो जाती है और बहुत टाइम लगता है दर्शन करने को। अभी भी शायद जाऊँगा तो भीड़ मिल सकती है, पर मुझे लग नहीं रहा, अभी थोड़ा अंधेरा ही है बाहर, तो शायद भीड़ ना मिले। पर ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। मुझे है ना बाहर निकल के एहसास हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। अभी तक देखो सूरज भी नहीं उगा है और मैं इतनी जल्दी उठ गया हूँ। मेरे को लगा यार 5 बजे तो सूरज उग जाएगा, आज मैं सूरज से जल्दी उग गया, क्या बात है। अरे मैं ही इतनी जल्दी नहीं उठा हूँ, बहुत लोग उठे यार। महादेव के दर्शन को सभी लोग आए यार, बहुत भीड़ है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ चारों तरफ, मतलब कि अंदर भीड़ बहुत मिलने वाली है। चलो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। ये देखो कितने लोग हैं, सभी लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। अरे समझना कि मैं रात को ही आया हूँ। ये देखो सुबह की 6:05 हो रही है। हाँ तो कुछ लोग बोलेंगे कि रात का दिखा रहा था सीन, अभी भी रात का ही दिखा रहा है। आज 18 तारीख है और शिवरात्रि है। चलो आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और देखिए हमारे यहाँ पे कितनी भीड़ है शिवरात्रि पर। हाँ तो भीड़ है यार भाई, कैसे दर्शन होंगे, हो जाएंगे महादेव के साथ, तो डरने की क्या बात। ये सुबह 6 बजे का सीन है और कल रात जैसे ही बाबर लाइन यहाँ से, और बहुत ही प्यारा लग रहा है मंदिर। चलो लाइन में लगते हैं अब,
बहुत ही लंबी लाइन है भाई वहां तक है। ओके देखो ये अंदर लाइव है, स्क्रीन लगा रखी है उन्होंने, अंदर का लाइव दिख रहा है, सही है ना, बहुत अच्छा सजाया। यहाँ से लाइन चल रही है, वहां से घूम के जाना है हमको अंदर, लाइन वहां पीछे तक है। महादेव के दर्शन के लिए रेडी। ये क्या हो, निशान लगता है, ठप्पा लगा पीके बोल रहा है, ठप्पा का है, ठप्पा महादेव का मंदिर कितना सुंदर सजाया। और एक बात है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गंगा देखिए हमारे यहाँ के महादेव कितने अच्छे सजाए हैं और बहुत ही अच्छा दर्शन चल रहा है। लोग शिवजी हैं, ये पूरे पहाड़ी के अंदर बने हुए हैं। देखो ये पहाड़ है पूरा, ये पहाड़ी कट के अंदर से शिवलिंग निकले हुए हैं। और इस मंदिर को मदारेश्वर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मदार भी है, इसलिए इसका नाम मदारेश्वर है। शिवजी और मदार दोनों एक साथ हैं यहाँ पर। प्लस सबसे खास बात बताता हूँ बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा को छोटा काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 12.5 लिंग है, इसलिए बांसवाड़ा को छोटा काशी भी कहा जाता है। चलो अपने फाइनली दर्शन हो गए, अब जा रहे हैं अपन घर पे, और सुबह सुबह आ गए थे 5 बजे। चलो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मैं इस जगह से लाइन पे लगा था, अभी लाइन जाते 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 वहाँ अंदर तक लाइन चली गई पीछे तक, बाप रे। अभी तो और भीड़ बढ़ेगी धीरे धीरे। यहाँ मंदिर का शिवरात्रि का प्रसाद बहुत ही टेस्टी रहता है। श्री अप्पा मंदिर ये 9 ग्रह का मंदिर है। पूरे 9 ग्रह है, ये देखिए, ये 9 ग्रह का मंदिर है और यहाँ पे पूरे 9 ग्रह हैं, बहुत ही अच्छे हैं। देखो लोग वहाँ ऊपर भी जाते हैं, वहाँ त्रिशूल और ओम बना हुआ बहुत बड़ा, देखो वहाँ पे लोग हैं आज। अभी तो सुबह सुबह इसलिए, अभी धीरे धीरे और भी लोग चढ़ेंगे वहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे। वो हमारे बांसवाड़ा का महल है जो यहाँ से बहुत क्लियर दिखता है, पूरा बांसवाड़ा है हमारा, अच्छी सिटी है। और यहाँ का महादेव का प्रसाद तो बहुत ही सही है, हम बचपन में तो टूट टूट के खाते थे, आज बहुत दिन बाद मतलब 10 साल बाद खाया मैंने लगभग ये प्रसाद, मज़ा आ गया यहाँ का प्रसाद खा के। लाइन आते आते यहाँ तक अभी
बताओ। फाइनली मैं घर आ गया हूँ दर्शन करके महादेव के, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, एकदम शांति से दर्शन हुए, जल्दी पहुँच गया था। तो बट सुबह जो होशियारी बता रहा था कि मैं 5 बजे उठा हूँ, इतना अंधेरा, वहाँ पे मेरे से पहले लोग पहुँच गए थे। रात के 3 बजे से वहाँ लोग पहुँचना शुरू हो गए थे, 3-4 बजे से। और मैं सुबह उठ के ये सोच रहा था कि मैं ही पहले उगा हूँ सूरज से, बहुत लोग उग गए थे उससे पहले। तो चलो, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हमारे और बहुत ही मज़ा आया। मैं 10 ईयर्स बाद गया दर्शन करने, क्योंकि मैं नागपुर शिफ्ट हो गया हूँ तो मैं जा ही नहीं पाया था तब से। तो बहुत सालों बाद आज मैं गया हूँ, तो बहुत ही मज़ा आया। वहाँ का प्रसाद भी बहुत टेस्टी रहता है, वो भी खाया, और बस अब घर आ गए। हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन। तो आज हमने ये बर्फ के शिवलिंग बनाए हैं महाशिवरात्रि के महोत्सव। अभी मैं दूसरे मंदिर भी जाके आया, और जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि भाग्यश्री ने भी बर्फ के शिवलिंग बनाए हैं। वो हर साल बनाती है, बट इस बार वो उसके मम्मी के घर पे, तो उसने वहाँ पे भी बनाया है और बहुत ही सुंदर बनाया है उसने। हमेशा बनाती है वो बर्फ के शिवलिंग शिवरात्रि के टाइम। तो कैसा लगेगा आप बताइएगा आप लोग। सो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू। चलिए, बाय।